अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एस एस टी बायो केमिस्ट्री पेपर का पार्ट टू जो कि ईटा की तरफ से आज यानी उन्नीस फरवरी दो हज़ार बाईस को कंडक्ट किया गया था इस वीडियो का पार्ट वन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो जो जो इस चैनल पर नया है कैन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें इसके बाद इंशाल्लाह हम पार्ट श्री भी अपलोड करेंगे क्वेश्चन है पहला इस वीडियो का हाउ मैनी पीपल गेट लंग कैंसर बाई स्मोकिंग द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड वाया मतलब बाई तो ये है बायोमेट्री ऑप्शन नंबर सी इसमें कुरेक्ट है नेक्स्ट है द बुक आशा रिटर्न बाई एम आसमई इज अबाउट ये शीप ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव फूड को प्रिजर्व करने के लिए महफूस करने के लिए कौन सा साल्ट यूज होता है सोडियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट सोडियम सिट्रेट आल ऑफ द अबाव ऑप्शन डी कोेक्ट है इसके बाद द रिमूव ऑफ सस्पेंडेबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्राम वाटर टेक प्लेस बाई द प्रोसेस ऑफ ये फ्लाकुलेशन सडिमेंटेशन कोकुलेशन बहुत ए एंड बी इसमें बहुत एंड बी आता है फ्लाकुलेशन और सडिमेंटेशन दो स्टेप्स होते हैं पहले फ्लाकुलेशन होती है फिर जो है सेडिमेंटेशन होता है तो दोनों स्टेप इसमें इन्वाल्व होते हैं तो ऑप्शन ए एंड बी बहुत कुरट है नेक्स्ट है इन वाटर ट्रीटमेंट ये नजर नहीं आ रहा नेक्स्ट पेज पर आइए हमारे पास इन वाटर ट्रीटमेंट प्लान्टिफरेंट मटीरियल आर यूज एज फिल्टर्स द मोस्ट कामन बीन यूज इज़ ठीक है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो मोस्ट कामन मटीरियल आजकल यूज है तो ये क्या है ये सैंड एंड ग्रेवल ठीक है ऑप्शन नंबर बी सैंड एंड ग्रेवल नेक्स्ट है द मैक्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दर्ड आर्बिट आर थर्ड आर्बिट में मैक्म इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अट्ठारह और ये कैसे होते हैं ये टू एंड टू फार्मूला है ठीक है अगर ये वन होगा तो फर्स्ट आर्बिट होगा तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे अगर टू होगा तो सेकेंड आर्बिट होगा आठ इलेक्ट्रॉन होंगे अगर थ्री होगा तो थर्ड आर्बिट होगे ये ये हो जाएगा ऑप्शन सी अठारह ठीक है और अगर ये चार होगा तो चार चार सोलह दोनों में बत्तीस तो फोर्थ आर्बिट के लिए बत्तीस होगा ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन मिसिंग है ठीक है गलाबानी का पेशा कहाँ अम है तो ये है बलूचिस्तान में ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसके बाद है जमेली पाकिस्तान का कौमी फूल है इस जुमले में इसमें मार्फा क्या है तो ये चम्बेली है ठीक है इसके बाद हिजाब के कब तो ये चार हिजरी में ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है ऑप्शन सी इस नेक्स्ट है नसीरुद्दीन मोहम्मद हमायूं वाज द एल्डर सन ऑफ बाबर ठीक है एल्डर सबसे बड़े को कहते हैं तो इसके बाद ग्यारह नंबर क्वेश्चन है वॉट फुट द कुरेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिंपल फूड चेन इन अ टेरेस्ट्रियल एकोसिस्टम करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा एक्ोसिस्टम में तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें ग्रास ग्रास हॉपर पहले ग्रास होता है उसको ग्रास हॉपर खाता है फिर उसको स्नैक खाता है ठीक है और उसके बाद उसको ईगल तो ये करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा बाकी क्वेश्चन तो हमने यहाँ इसमें कर लिए सारे तो नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं ये है लुक्ट बेसिलिस बुलगेरियस इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन्वाल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ योगट ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है इसके बाद है द पॉइजनस सब्सटेंस एंड गैसेज दैट आर प्रोड्यूस बाई ओपन गार्बेज डम्प आर काजेज एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ये दोनों काज करते हैं एयर वाटर पोल्यूशन तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक होगा इसके बाद डिकेइंग इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज ठीक है ये केमिकल चेंज है नेक्स्ट है कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट इसकी वेलेंसी चार है ठीक है आउटरमोस्ट शेल uh, में इसके चार इलेक्ट्रॉन होते हैं दरजेल में से हकूकल इबाद कौन माफ़ कर सकता है इंसान खुद ऑप्शन नंबर सी ठीक है ठीक है इसमें नेक्स्ट है द मेजर ब्रोक ब्रोक थ्रू इन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्री ट्वेंटिय सेंचुरी इंक्लूड्स जो बड़े बड़े काम हुए थे मेजर बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से हैं स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज़ वैक्सीन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डी एन एन क्रमोजोम ऑल ऑफ दाओ तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दाओ द फार्मूला मास ऑफ एफ ई एन ओ थ्री ये है एफ ई एन ओ थ्री टू क्या है एन ओ थ्री टू तो इसका फार्मूला मास क्या होगा आपने सारों के मालिकुलर रेट को जमा करना है एफ ई का है फिफ्टी सिक्स एन ओ थ्री एन का है चौदह और तीन इधर है ऑक्सीजन के आइटम तो ये अड़तालीस हो जाएंगे ठीक है प्लस अड़तालीस अड़तालीस और चौदह बासठ और यहाँ पे दो है इसके साथ तो बासठ दो 124 एक सौ चौबीस एक सौ चौबीस और छप्पन एक सौ अस्सी ठीक है वन नहीं भी आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन सिक्सटी ग्राम ऑफ सी ओ टू तो सी यू टू का जो मोलर uh, मास है ये है सोलह दोनों बत्तीस ऑक्सीजन का और बारह चवालीस तो ये आपने सिक्सटी बाई फोर्टी फोर चवालीस दिया जाएगा वन पॉइंट थ्री सिक्स ठीक है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड इन डी सबसेल तो डी सबसेल में दस इलेक्ट्रॉन होते हैं एस सबसेल जो होता है उसमें टू होते हैं पी में होते हैं सिक्स और डी में होते हैं टेन uh, और एफ़ में होते हैं फोर्टीन ठीक है नेक्स्ट पेपर के लिए ये याद रख लें इसके बाद आइडेंटिफाई मेटल लाइट अमांग द फॉलोइंगज मेटलाइट कौन सा इसमें बोनान इसके अलावा सिलिकॉन जर्मेनियम एंटीमनी ये भी मेटेलाइट है ठीक है तो ये था पार्ट टू इंशाल्लाह जल्दी पार्ट थ्री सा अपलोड करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए जल्दी जीला हाफ